चलिए शुरू करते हैं, अभी भी आप लेट नहीं है अगर आपको लगता है। देखो ये टॉपिक का नाम है इट्स नॉट टू लेट, बहुत ज्यादा भी लेट नहीं हुए रियल में। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं, अभी क्लियर होगा, विद इन अ 5 मिनट्स में क्लियर करूंगा। जिन बच्चों को जिनको भी लगता हो और इस समय लगने लगता है कि यार अब कुछ नहीं होने वाला है, जो मैंने सोचा था जुलाई में सोचा था, जो मेरे सपने थे इस बार जुलाई के, और जो मैंने जून और अगली जून के लिए देखा था, वो सारे स्पॉइल्ड हो चुके हैं, कोई उम्मीद नहीं बची है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ऐसे ब्ला ब्ला बहुत सारी चीज़ें लोगों के दिमाग में चलती हैं जो उन्होंने जून और जुलाई में सेट किए थी, सब उनको लगता है कि स्पॉइल्ड। बेटा ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक एग्जाम्पल है मेरे पास, यूनिक एग्जाम्पल। जनवरी 27 को एक बच्ची ने मेरे यहाँ एडमिशन लिया। उस बच्ची ने उस टाइम पर फरवरी में एग्ज़ाम होता है हैदराबाद, उस एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं लिया, बट उसके बाद सारे एग्ज़ाम 2014 का ये रिकॉर्ड है, ये सारे लोग जानते हैं, मुझे भी इस माइरेकल्स जो हुआ था मैं भी नहीं जान पाया था। उस बच्ची ने UPTO फर्स्ट रैंक दिया, सारे एग्ज़ाम निकाले, 93 से MCA कम्प्लीट किया और जॉब कर रही है। सोचो कि 27 जनवरी को कोई बच्चा एग्ज़ाम तैयारी शुरू करता है और अप्रैल मई तक इतना ज़्यादा अपने आप को ले जाता है और सारा कोर्स पढ़ लेता है। तो यार 27 जनवरी, आज तो दिसंबर नवंबर ही चल रहा है, दिसंबर आने वाला है, आप अपने आप को इवेल्यूएट करिए कि दिसंबर फिर जनवरी आएगी, जनवरी के बाद लास्ट में जाएंगे 2 महीने, अभी पूरा 2 महीने आपके पास है, 2 मंथ समझते हैं ना, 60 डेज। मैं ये मानता हूँ कि अगर आपके पास 3 मंथ्स हैं तो 3 मंथ्स में प्यारे कुछ भी सिविल सर्विसेज का भी तैयारी हो सकती है, मतलब ये फेक नहीं है, एग्जैक्ट है। 3 महीने अगर आपके पास हैं मगर बूता हो और उड़ान भरने की पूरी चाहत हो और पंख आपके मजबूत हो, मतलब आप एकदम इरादे कर चुके हो मजबूत, तो अगर आप सोच रहे हैं, अभी भी सोच रहे हैं, अपने आप को कोस रहे हैं, आसपास के लोगों को कोस रहे हैं, कहने का मतलब कहीं ऐसी जगह आप फंस गए हैं, ज्वाइन कर लिया है, कोचिंग ज्वाइन कर लिया, उनको कोस रहे हैं, तो ऐसी सब एक्सक्यूजेस हैं, ऑल आर एक्सक्यूजेस। समय बर्बाद करेंगे, टाइम बर्बाद करेंगे, मिलेगा कुछ नहीं, एक ईयर भी बर्बाद हो जाएगी। और जो गैप 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 चिल्लाते रहते हैं, वो गैप आपने क्रिएट किया, किसी और ने नहीं किया है, कि गैप हो गया है क्या करें, सोचने वाले सोचते रहते हैं। तो बस जिनको स्टार्ट करना है, मारुला क्लासेस एक लास्ट चांस देख रही है। अभी एक कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था कि गिव मी वन मोर चांस, तो उसमें इन्फॉर्मेशन में दिया था कि हम लोग कुछ एक बैच शुरू कर रहे हैं, वो रिविजन बैच है, तो उसमें रियल में बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन किया, बहुत सारे इन द सेंस 25 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया था, एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन है। वो स्टूडेंट्स परेशान थे, वो स्टूडेंट बेहतर तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। मेरा मैंने बोला था बिल्कुल उद्देश्य नहीं है कि आपको डिस्ट्रैक्ट करना, अगर आप सही ट्रैक पे हैं कहीं पर भी हो, अगर यूट्यूब से भी पढ़ रहे हैं, लगता है आप कि कॉन्फिडेंट हैं, आप निमसेट के JNU के पेपर देखिए, अगर बिना किसी हेल्प के अगर आप पेपर सॉल्व कर ले जाते हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मावला क्लासेस या कैसी ऐसी कोई क्लासेस या ऐसी कोचिंग में आने की कोई भी बच्चे जरूरत नहीं है, कोचिंग हम बिल्कुल लास्ट आपका डिसीजन होना चाहिए, पर प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रही है, आप कॉन्फिडेंट अभी भी नहीं है, क्वेश्चन पेपर लेने या देखने हमारा बिल्कुल हेजिटेट करते हैं, डेक्टो आपको लगता है कि हटा दो, मगर आपके सपने हैं, अगर आपने सपने बना के रखे हैं कि नो अदर देन NIT Trichy JNU, अगर ऐसा सपना है पाल रखा है तो आप परेशान रहेंगे, अभी भी मौका है। एक हम लोग नेक्स्ट मंडे से एक बैच शुरू करेंगे, क्योंकि अभी क्या है कि कुछ बच्चों के BCA के एकेडमिक एग्जाम चल रहे हैं, दोबारा फिर से वो स्टार्ट लेंगे, उसमें 3 मंथ्स का एक टारगेट सेट करेंगे। 3 मंथ्स में मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि पूरा कोर्स, जो ये बोलता है कि पूरा कोर्स करा देगा भाई, तो मुझे तो बहुत हंसी आती है क्योंकि मैं टीचर हूँ। इम्पॉर्टेंट का मतलब मैक्सिमम स्कोरिंग, उनकी बात हो गई कि जो सबसे मैक्सिमम स्कोर करते हैं, और मुझे लगता है कि 70% ही अगर ने आपने मैं मुझे लगता है कि मुझे 70% आता होगा यार, 100% किसी को नहीं आता है, ये फर्जी की बातें होती हैं। तो हम लोग 70% पर टारगेट करेंगे, अगर आप दिसंबर से स्टार्ट लेते हैं तो जनवरी और फरवरी तक हम लोग पूरा लगभग, मैंने बोला 70%, कहने का मतलब मैथ्स नहीं, मैथ्स रीजनिंग एप्टीट्यूड कंप्यूटर और इंग्लिश नहीं कराने वाले, सीधे बोलते हैं भाई इंग्लिश मैं नहीं करा सकता, मटेरियल आपको मिलेगा और ये सारी बातें सारी चीज़ें 70% इवेल्युएट कर लीजिए, होगा और उसके बाद फिर हम लोग रिविजन करेंगे। तो एक बार कोर्स भी होगा, रिविजन भी होगा, इसका मतलब आपके पास पूरा कोर्स का मौका नहीं है, विद रिवीजन है और मॉडल भी देंगे। तो जो लोग भी सो रहे हैं,
सोते सोते एक सपने देख रहे हैं, मतलब सोते सोते पूरा उन्होंने नाइटी तिरछी बना के रखा है अपने अंदर। तो वो भाई सोते रहिए, अगर कानों में हमारी आवाज़ पड़ रही है मावला क्लासेस और हमारी आवाज़ पड़ रही है तो तुरंत क्या है चल लो, और जितनी जल्दी आ पाओ तो आ जाओ, बाकी चीज़ें बाद देखेंगे। और ठीक है, कमेंट अमेंट मत करो इस वीडियो पे, ये कमेंट के लिए डाला गया, लाइक करने के लिए डाला गया, करने के लिए डाला गया, तो जो करना है वो करिए। और देखो व्हाट्सएप मत करना, व्हाट्सएप पे पूछते मुझे बहुत ज़्यादा खराब लगता है, सीधे सीधे आप एक्शन लो, ये एक्शन के लिए डाला गया, जैसे अपलोड हो एक्शन लो, जैसा भी ले लो, कहीं भी चले जाओ, कहने का मतलब कहीं पर भी आपको लगता है कि नैया पार हो सकती है उसके भैया को पकड़ लो। चलिए भाई, थैंक यू।